पता है, मुझे पता है। 2 सालों के लिए गायब हो गया था मैं, 2 साल। और 2 साल के बाद हम वापस आ गए आज खेलने वैलोरेंट। किधर गया था 2 सालों के लिए? ये इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर आज हम है इधर। और यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 जो 2 साल पहले खेला था, उसके बाद आज हम खेलेंगे वैलोरेंट। ये भी गेम हम आज शुरुआत से शुरू करेंगे, और मैं इस गेम में भी बिल्कुल नूब हूँ। ये गेम तो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, आप इसको राइट गेम से डाउनलोड कर सकते हैं। भैया थोड़ा पहले गेम को सिंपल तरीके से समझते हैं। तो वैलोरेंट में ऐसा है कि चार चार लोगों का 2 टीम बनता है। एक टीम होता है अटैकर्स और दूसरा टीम होता है डिफेंडर्स। अभी गेम को समझने के लिए ये समझते हैं कि हम अटैकर्स हैं। अटैकर्स का काम यह है कि उनके पास एक स्पाइक होता है और मैप पे बने होंगे 2 या 3 प्लांटिंग एरियाज जिसका नाम ए बी और सी होता है, और अटैकर्स को उस स्पाइक को ले जाकर ए बी या सी में प्लांट कर देना है। प्लांट करने के बाद आपको मिलेंगे 45 सेकंड्स, और उस 45 सेकंड्स के बाद वो स्पाइक फूट जाएगा। तो भैया ऐसा है कि गोलियों का बरसना दोनों साइड से हो जाएगा। अटैकर्स अटैक करेंगे डिफेंडर्स को और डिफेंडर्स अटैक करेंगे अटैकर्स को। इस चक्कर में अगर किसी भी टीम से चारों प्लेयर्स मर जाएंगे तो वो टीम उस राउंड को हार जाएगी, और जो टीम जीता उनको मिलेगा 1 पॉइंट। या दूसरी सिचुएशन में ये मान लो कि अटैकर्स ने स्पाइक को प्लांट कर दिया और 45 सेकंड्स के बाद वो स्पाइक फूट गया, तो हुआ 1 पॉइंट अटैकर्स का। या उस 45 सेकंड्स के अंदर डिफेंडर्स ने उस स्पाइक को बंद कर दिया तो जीत जाएंगे डिफेंडर्स, उनको मिलेगा 1 पॉइंट। इतना ही सिंपल सा गेम है, और इसमें अलग अलग सेक्शंस है जैसे कि अनरेटेड, कॉम्पिटिटिव, स्विफ्ट प्ले, स्पाइक रश, डेथ मैच, एस्केलेशन और टीम डेथ मैच, कस्टम गेम भी है। तो अनरेटेड में ऐसा है कि जो टीम पहले 13 राउंड जीतेगा वो बनेगा उस गेम का विनर, मगर ये गेम चलेगा बहुत लंबा। तो अभी गेम समझने के लिए हम खेलते हैं स्विफ्ट प्ले, जिसमें जो टीम पहले 5 राउंड जीतेगा वो बनेगा विनर। तो अभी हम दबाएंगे स्टार्ट को। आप टीम में और 4 लोग लगा सकते हो, सॉरी 4 या 5, कितनों का टीम है, 5 लोगों का टीम है। तो अभी हम प्रेस करेंगे स्टार्ट और खेलेंगे स्विफ्ट प्ले, और इधर मैच मेकिंग बन रहा है। तो अभी इंटरनेट से जैसे आप BGMI PUBG खेलते हो वैसे ही 4 लोगों को चुनेगा रैंडमली, और ठीक है देखते हैं। मैच फाउंड। अभी एक मैप है गेम पे जिसका नाम है बाइंड, ऐसे अलग अलग मैप है, और अभी हम इसमें से एक प्लेयर को चूज करेंगे। मेरी फेवरेट या मेरा फेवरेट प्लेयर है सेज, तो मैं सेज को सिलेक्ट करता हूँ। ये सब लॉक्ड है, जैसे जैसे आप गेम में पॉइंट्स बढ़ाते रहोगे आप इन प्लेयर्स को परचेज कर सकते हो, क्योंकि अभी ये अकाउंट हमने शुरुआत से शुरू किया है। तो देखते हैं अभी किधर चलेगा। तो ये हो गया भाई अपना डिफेंडिंग का टीम, ये हो गया अटैकिंग का टीम। हम अभी डिफेंडिंग में, मतलब शुरुआत में अटैकर्स प्लांट करेंगे, बाद में हम बनेंगे अटैकर्स और वो बनेंगे डिफेंडर्स। इधर आप इनका लेवल भी देख सकते हो, जैसे कि रॉब स्टार 26 है 15th लेवल पे, और डिसिल्वा भैया है 23rd लेवल पे, मैं हूँ 3rd लेवल पे। तो जैसे अलग अलग प्लेयर्स का अलग अलग लेवल है। गेम ये कोशिश करता है कि सबको मिला के उस गेम का वो गेम फेयर हो जाए दोनों टीम के लिए। तो भैया अभी गेम शुरू हो रहा है, और अभी आप बी प्रेस करोगे तो आपको परचेस करने के लिए कुछ आइटम्स मिलेंगे। इधर मेरे पास है 800 क्रेडिट्स, क्रेडिट्स या पैसे, रुपए बोलते हैं, 800 रुपए है मेरे पास, और इसमें से मैं जिसका जिसका भी जो भी रेट है कुछ खरीद सकता हूँ। आप चाहिए तो शील्ड खरीद सकते हो, लाइट शील्ड जो आपको 25 पॉइंट्स तक आपका स्ट्रेंथ डिफेंड करेगा, और ये हैवी शील्ड है जो 50 पॉइंट्स तक आपको डिफेंड करेगा। पर मैं इस राउंड में शील्ड नहीं ले रहा हूँ, मुझे गन लेना है। तो ये गन का दाम भी 500 है, नहीं 500 है, हाँ ठीक है, तो मैं ये गेम गन खरीद सकता हूँ। तो ये गन ले लिया मैंने। ये है बैरियर ऑब, जिसे एक बैरियर बनेगा। ये जाते जाते मैं आपको सब समझाता हूँ। मैप में देख सकते हो ये प्लांट है, ये प्लांट बी, साइट ए और साइट बी। इधर किधर भी वो लोग आकर अपने स्पाइक को प्लांट कर सकते हैं, और हमारा काम यह है कि उनको प्लांट करने के लिए इजाज़त या कुछ भी हो, प्लांट करने के लिए छोड़ना नहीं है बस। तो अभी हम जाएंगे, ये है अपना बंदूक साइलेंसर के साथ, ढूंढेंगे उनको और मारेंगे। लगता है वो बी में नहीं आ रहे, सब बी में हैं हम, लगता है कि वो सब ए में है। तो हाँ देखो प्लांट हो गया, ए में प्लांट हो गया। किधर जा रहे हो भैया? तो हम अभी जाएंगे ए साइड पे और मारेंगे उनको। अभी आप
इधर से जा सकते हो। देखो स्पाइक का आवाज सुनाई दे रहा है टिक 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 करके। ओ भैया किधर है दुश्मन? No charges left. One enemy remaining. स्पाइक को डिफ्यूज करते हैं। नहीं हो रहा है। अभी वो टाइमर देखा आपको? उस टाइमर को तक आपको बोर दबा के स्पाइक को पकड़ना है कि इतना टाइम मिल जाए कि वो डिफ्यूज हो जाए। हमसे डिफ्यूज नहीं हो पाया इस राउंड में, तो अगले राउंड चलते हैं। अभी हमारे पास है 2700 रुपए, इसमें हम क्या खरीद सकते हैं? ये बैरियर खरीदते हैं, फिर एक स्पेक्टर बंदूक खरीदते हैं। 700 रुपए बचा है, 700 में तो हैवी शील्ड नहीं आएगा तो लाइट शील्ड करें। तो ये सी बटन है बैरियर, इसको इधर लगा दूंगा तो इधर उधर से दीवार बन जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। ये है हीलिंग, ये खुद पे लगा सकता हूँ, दूसरों पे भी लगा सकता हूँ, इससे जो भी डैमेज है वो थोड़ा सा हील हो जाएगा। लगता है दुश्मन है अभी बी में, तो हम चलते हैं बी। ओ भाई साहब इधर से, हाँ ये एक शॉर्टकट है इधर, ए से बी आप जल्दी जा सकते हो। स्पाइक प्लांटेड। भैया ऐसा है कि जब गेम इंटेंस होता है तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ, ज्यादातर गेम पे रहता है। अभी खुद को ही करते हैं क्योंकि अपना स्ट्रेंथ सिर्फ 63 है। स्पाइक को डिफ्यूज करते हैं जल्दी क्योंकि टाइम नहीं है, वरना स्पाइक फट जाएगा। हो गया डिफ्यूज और हम जीत गए, कंग्रेचुलेशंस। तो ये जो एक्स देख रहे हो ना आप, तो जब भी मैं मरता हूँ या एक राउंड हो जाता है या किसी को मारता हूँ तो वो एक 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 पॉइंट ग्लो होता है। जब सारे ग्लो हो जाएंगे मुझे मिलेगा एक सुपर पावर, और सेज का सुपर पावर ये है कि अगर अपनी टीम से कोई मरा है उनको मैं रिवाइव कर सकता हूँ। मतलब जिसका मृत्यु हो गया उसको मैं जीवन दान फिर से दे सकता हूँ। भाई साहब वो क्यू का कुछ पता नहीं, मतलब वो ऐसा है कि एक आइस का लेयर फेंक देगा इधर जमीन पे और इससे जो बंदा उस पर चलेगा वो ज़्यादा तेजी से नहीं चल पाएगा। उसका मुझे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं लगा तो मैं उसको यूज नहीं करने वाला हूँ। अभी आ रहा है दुश्मन, हम बनेंगे नूप, और नूप बनते बनते मर गया मैं। दो किल है मेरा। किसलवा भैया तो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं, 4 किल हो गया उनका। इस राउंड को तो हम हार गए। ये इस राउंड का आखिरी, इस सेक्शन का आखिरी राउंड है, तो इसके बाद हम बनेंगे अटैकर्स। तो पैसे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अगले राउंड के लिए, तो जितना खर्च कर सकते हैं उतना खर्च कर देंगे अभी। तो ये है बेस्ट गन गेम का मेरे हिसाब से, इसको खरीद लिया, इसको खरीद लिया, एक पिस्टल भी खरीद लेते हैं, ये ऑर्ब भी ले लेते हैं क्योंकि पैसे बचे हैं। तो भैया दुश्मन आ रहे हैं इधर से। वो भैया देख रहे हो वो स्नाइपर का बुलेट दीवार के पार गया। अभी हम जाएंगे उधर, दुश्मन को मारेंगे। इसको भी मार दिया, दो और दुश्मन बचे हैं, एक और दुश्मन बचा है, और सारे दुश्मन गए भैया, हो गया। स्पाइक किधर लगा है उसको डिफ्यूज करते हैं। चलो हो गया स्पाइक डिफ्यूज और हम जीते इस राउंड। तो अभी ये 2-2, जिसका भी 5 राउंड्स पहले हो जाएगा वो जीतेगा गेम को। ये है हमारा स्पाइक,
अभी इसने उठाया और ये करेगा प्लान। तो भैया ये हमारे शशांक भैया जो है वो जा रहे हैं ए में, बाकी सब लोग जा रहे हैं बी में। तो मैं इनका रक्षा करता हूँ, अभी इनको थोड़ा सा बैकअप देता हूँ। चलो शशांक भैया धूम मचाते हैं अभी। Spike down A. अरे तो उसने तो मुझे एक ही गोली में मार दिया। हेडशॉट लगा होगा, सिर पर लगा होगा, देखा नहीं मैंने, पर हाँ एक ही गोली में मेरा बैंड बच गया। Reload. One enemy remaining. ये सीसीटीवी लगा रहा है, उसका स्पेशल पावर वो है, सीसीटीवी लगा सकता है और देख सकता है दुश्मन किधर से आ रहा है। अभी देख उसको आवाज सुनाई दिया। ओके, तो उसको पता चला कि यूजफुल आदमी उधर ही खड़ा है, जैसे कि जमीन है ना, अभी ये मिट्टी का जमीन है, इसका आवाज अलग है। आप मेटल की जमीन पे खड़े हो जाते हो तो उसका आवाज अलग है। तो शशांक भैया ने उठा दिया स्पाइक फिर से, हम ले लेंगे अपना बैरियर और स्पेक्टर अपना बंदूक, और हेवी शील्ड लेने के लिए पैसे है तो ले लेते हैं हेवी शील्ड। हम करेंगे शशांक भैया की रक्षा अभी। बिल्कुल नूब जैसा खेला मैंने आज, इतना नूब हूं मैं कि नूब मुझे देख के प्रो फील करे। प्लेयर स्टैंडिंग, एक ही प्लेयर बचा है यार, मार दे ना। ओए बाबा, अभी वन ऑन वन हमारी टीम से एक प्लेयर और उनके टीम से एक प्लेयर होगा क्या अभी? थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। ओ भैया यार क्या बताऊं, अभी मैं मर गए, हम हार गए, हम जिंदगी खत्म हो गई हमारी। He does not miss much. अभी ले लेंगे हेवी शील्ड और बैरियर तो है, अभी तक नहीं दिखा मैंने बैरियर को कैसा यूज करना है, तो अभी दिखा दूंगा अगले राउंड पे। 4,050 रुपए है हमारे पास, तो हम ले लेते हैं फैंटम बंदूक, ये थोड़ा अच्छा चलता है, कुछ कुछ मतलब जो हल्की सी दीवार है उसके पार तो गोली चलती ही है, तो करेंगे इसका इस्तेमाल अभी। स्पाइक शशांक भैया ने नहीं लिया अभी, ये कौन है, रॉब स्टार 26 ने ले लिया है। ओ भाई साहब, गिर गया स्पाइक हमारा। दुश्मन आ रहा है इस पार, दुश्मन को मार दिया और है दो और लोग, इसको भी मार दिया और बचा है एक दुश्मन, उसको भी मारते हैं जल्दी, शायद वो इधर से आएगा, नहीं उधर है, वो बता रहा है कि उधर खड़ा है, उसको भी मार दिया। जय हिंद जय भारत। और दीवार ये ईलिंग और इसको लगा सकता हूँ, तो अगर उसको चोट लगी है उसको इलाज भी कर सकता हूँ। एक तरीके से मैं डॉक्टर भी हूँ और दूसरी तरीके से मैं दुश्मन भी हूँ, बहुत मुश्किल है यार जिंदगी। ठीक है भाई सब दिखा देते हैं, ये स्लो ऑर्ब ये कैसे चलता है वो भी दिखा देता हूँ आपको, इसे क्यों दबाया, ये आया स्लो ऑर्ब, इसको इसको उधर लगा दूंगा तो जो दुश्मन आएगा वो भैया स्लो हो जाएगा। दिखा दूं, उधर फेंक दिया, जो उधर चलेगा मतलब जमीन पे चलेगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अरे भैया क्यों हिले, इसको हील करने वाला था। One enemy remaining. मर गई वो, अच्छा
स्पाइक मिल गया, हम चलेंगे स्पाइक को प्लांट करेंगे। तो ये हुआ दीवार, दीवार बना दिया। हाँ दीवार को गोली मार के आप गिरा सकते हो, मगर उतना ही हो गया, जीत गए हम गेम और आज हम कहेंगे चिकन बिरयानी। तो भैया इतना ही रहा गेम, बहुत सिंपल सा है और आप अगर खेलना चाहते हो तो ट्राई करो वैलोरेंट, कभी कभी साथ में भी खेलते हैं, देखते हैं कैसा चलेगा। तो अभी के लिए कितने किल्स मिले यार मुझे, सिर्फ 7 किल्स, वाह वाह ठीक है, अच्छा ही है। पर अभी के लिए उतना ही, अभी हम इस गेम प्ले को करते हैं बंद और मिलता हूँ मैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए जो करना है कर लो, मुझे क्या करना, गुड बाय।